राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो आपका फिलिप्स कंपनी के इंडक्शन कुकटॉप के ऊपर में रहेगा। दोस्तों मेरे पास एक मैकेनिक भाई फिलिप्स कंपनी के इंडक्शन का बोर्ड लेके आए हुए हैं, उसी टॉपिक पे है। सबसे पहले दोस्तों आप यहां पे फोकस करेंगे तो आपका ये मेन पीसीबी और डिस्प्ले कंट्रोल पैनल है। उन्होंने ये बताया कि इसमें आईजीबीटी खराब था, ठीक है जी। उन्होंने क्या किया, आईजीबीटी को लगा दिया। आईजीबीटी लगाने के बाद ये डिस्प्ले कंट्रोल पैनल में E9 की प्रॉब्लम आती है, ठीक है जी। मैं जैसे आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, सबसे पहले यहाँ से मैंने सप्लाई दिया, यहाँ से ऑन किया, यहाँ से ऑप्शन दिया, तो आप देख सकते हैं 120 ये क्या होता है, टाइमिंग है, मिनट है, ओके। अब इसमें दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, फोकस करेंगे तो E9 का एरर कोड आ रहा है। क्या आ रहा है, E9 का एरर कोड आ रहा है। अभी दोस्तों इसको रिपेयर करने के लिए आपको मैं बताऊँ, सबसे पहले तो यहाँ पर फोकस करेंगे, देखिए E9 का एरर रिपेयर करने के लिए यहाँ पे लगता है थर्मल फ्यूज, जैसे सेंसर होती है नॉर्मल इस टाइप में, आप देख सकते हैं सेंसर होती है, और उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पे एक थर्मल फ्यूज होता है जो हमेशा यहाँ पे लगाना पड़ता है, या दोस्तों इसको शॉर्ट कर दो आप कौन दोनों पॉइंट को, ओके, तो तभी आप E9 का रिपेयर कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उन्होंने IGBT क्या किया है, चेंज किया है, IGBT खराब था। तो आप लोग को मैं ये बताने वाला हूँ, सबसे पहले अगर किसी भी इंडक्शन कुकटॉप में IGBT खराब होता है, IGBT आप लगाते हो मेटल को सेंस नहीं करता है, तो सबसे पहले आपको 3 पॉइंट को नोट करना है, ओके। हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले मल्टीमीटर को रखेंगे किस में, रेजिस्टेंस मोड में। अभी हमारा मल्टीमीटर किस में है, रेजिस्टेंस मोड में, ओके। मैं इसमें लाइट ऑन कर देता हूँ, ये रेजिस्टेंस मोड में है, ठीक है जी। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले आप एग्जाम्पल के लिए IGBT का 3 पॉइंट होता है, आप समझ लो, मैं थ्योरिकल भी आपको बता दूंगा, आप ड्राइंग भी नोट कर लेना डिजिटल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो IGBT का 3 पॉइंट होता है, एक होता है एमीटर, बीच वाला होता है कलेक्टर, और एक पॉइंट होता है इसका गेट, गेट टू एमीटर। क्या दोस्तों, यानी समझ लो बीच वाले को छोड़ के, जैसे हमारे ये 3 है उंगली, ये हम बोल दिए इसको गेट बोल दिए, इसको बोल दिए कलेक्टर, इसको बोल दिए एमीटर, हम ये बीच वाले को हटा देते हैं। अब ये बचा 2 उंगली, अब ये हो गया गेट, ये हो गया क्या चीज़, एमिटर। ये दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस लगता है, मैंने आपको बार बार बताया है, एक रेजिस्टेंस लगता है और एक डायोड लगता है, ओके। जो रेजिस्टेंस लगता है अधिकतम 10K का लगता है, और डायोड लगता है तो 18 वोल्ट का जिनर लगता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लोगे आप मल्टीमीटर, एमीटर टू गेट चेक करोगे, ओके। यहाँ पे तो आप यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप मेजर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं मल्टीमीटर पे, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही है, 60 ओम आ रही है। क्या आ रही है, तो 60 ओम आ रही है। तो आपको मैं बताऊँ 60 ओम आने का कारण क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे फोकस करना है दोस्तों, ये ड्राइंग को आप नोट कर लो। सबसे पहले ये आपका होता है IGBT 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ठीक है जी। 1 पॉइंट ए हो गया, 1 पॉइंट ए हो गया, ए आपका हो गया समझ लो गेट, ए हो गया कलेक्टर, ए हो गया एमीटर, ठीक है। अभी इस दोनों के बीच में 2 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले कौन कौन से कंपोनेंट, एक होता है यहाँ पे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो अधिकतम बहुत कम ओपन होता है, जो 10K का रहता है, 4.7 का भी हो सकता है, और एक होता है आपका जीनर डायोड, ठीक है जी। यहाँ पे आपका होता है 18 वोल्ट का जीनर डायोड, ये डायोड आपका डीप या दोस्तों SMD पैकेज में हो सकता है। तो अधिकतम क्या होता है, जब आपका ये IGBT शॉर्ट होता है, जब IGBT आपका ये खराब होता है, तो ये डायोड क्या होता है दोस्तों, आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। अगर ये डायोड आपस में शॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, आपका जो गेट है, ये वाला आपका जो गेट है, यहाँ पे जो पल्स आता है माइक्रो कंट्रोलर से, उसके बाद ड्राइव सेक्शन से जो पल्स आता है आपका, ओके, यहाँ पे वो IGBT आपका जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, जो शॉर्ट होता है, शॉर्ट होने के बाद में दूसरा लगाते हो, लेकिन ये डायोड चेंज नहीं करते हो, डायोड शॉर्ट हो जाता है,
तो आपका हमेशा जो गेट होता है वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी एमिटर के साथ ग्राउंड बन जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे ड्राइव नहीं आ पाएगा, ओके, क्योंकि ये ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो जाएगा तो ड्राइव नहीं आएगा। जैसे ड्राइव नहीं आएगा, माइक्रो कंट्रोलर को पता चलेगा कि आपका IGBT स्विचिंग नहीं कर रहा है, तो डिस्प्ले में एक एरर कोड दे देगा E9 का, ओके। तो इस टाइप का समझ लो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो सबसे पहले आप लोग को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, यहाँ पे डायोड जो देखेंगे, सबसे पहले इसका लोकेशन आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पे देख सकते हैं DW1 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये डायोड को आप ओपन कर लो, ठीक है जी। डायोड को ओपन कर लिया मैंने। डायोड ओपन करने के बाद में फिर से आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस मोड में ही चेक करना है यहाँ पे। अब आप फोकस करेंगे यहाँ पे, आपका 10 किलो का रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही होगी। कितने किलो की? 10 किलो की रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। प्रॉपर मल्टीमीटर यहाँ पे मेरा देख सकते हैं। तो अब क्या हो गया दोस्तों, ये डायोड आपका क्या है दोस्तों, शॉर्ट है। अभी डायोड को कंफर्म करने के लिए मल्टीमीटर को डायोड रेंज में रखो और डायोड को पॉइंट को यहाँ पे चेक कर लो। आप देख सकते हैं डायोड शॉर्ट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं एक जीना डायोड लगाएंगे 18 वोल्ट का। 18 वोल्ट का जीना डायोड लगाओगे तो यहाँ पे इसका जो गेट तरफ हमेशा क्या होगा दोस्तों, इसका समझ लो निगेटिव होगा, ओके। गेट के तरफ हमेशा निगेटिव होगा, सिंबल के साथ में आपको ड्राइंग के माध्यम से आप देख सकते हैं निगेटिव और पॉजिटिव, तो उसको आप फोकस कर लेना। तो यहाँ पे SMD पैकेज में है तो हम SMD में लगाएंगे, अगर SMD में नहीं होगा तो आप डीप में लगा सकते हैं, ओके। तो दोस्तों आप यहाँ पे फोकस करेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे डायोड लगा दिया, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं ये डायोड का पॉजिटिव है, ये डायोड का निगेटिव है, तो मैंने यहाँ पे डायोड लगा दिया। अब डायोड लगाने के बाद सबसे पहले यहाँ से ऑन करेंगे तो यहाँ से, और यहाँ से ऑप्शन देंगे, तो अभी आप फोकस कर रहे होंगे कि अब डिस्प्ले में टाइमिंग भी आ रहा है और एक मेटल सेंस करने की आवाज़ आ रही है। पहले क्या था, टाइमिंग आ रही थी बस, मेटल सेंस करने की आवाज़ नहीं आ रही थी और यहाँ पे E9 की एरर दे रही थी। अब इसके ऊपर मैं मेटल रखता हूँ दोस्तों, सीरीज में है हमारा अभी, तो यहाँ पे मेटल सेंस कर रहा है। अभी इसको डायरेक्ट भी करके देख लेता हूँ मैं, तो अभी आप यहाँ पे फोकस करें होंगे तो यहाँ पे गर्म होना शुरू हो गया। हाफ एम्पियर 3.3 यहाँ पे 4 एम्पियर ले रहा है, ओके। यहाँ पे 2.2 ऐसे करके एम्पियर ले रहा है, क्योंकि कंप्लीट इसके ऊपर जब कंप्लीट सेट होगा तो काम करना शुरू कर देगा, ओके। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों, इसमें एक प्रॉब्लम थी आपका डायोड की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि इस फिलिप्स कंपनी में 3 एरर इम्पोर्टेंट होता है। एक होता है E9 जो आपका IGBT सेक्शन का है, एक होता है E4, एक होता है E5। ये सभी का डिटेल्स मैं अपने वेबसाइट rajinduction.com पे, जिसका साइड में आप देख सकते हैं, वहाँ पे इमेज के साथ में डाल देता हूँ, वहाँ पे आप नोट कर लेना। अगर E5 का एरर कोड आएगा तो IC के कौन से पिन पे कितना वोल्ट रहेगा, E4 का एरर कोड आएगा तो IC के कौन से पिन पे वोल्ट अगर नहीं रहेगा तो आपका ये दोनों एरर आएगा, और E9 अगर मान लो आता है तो कौन कौन सा सेक्शन को चेक करोगे, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में यहाँ पे लिखा हुआ है। थैंक्स फॉर दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।